पबजी गेम खेलते हुए एक युवती को छिंदवाड़ा के एक युवक से प्यार हो गया और वो उस युवक से शादी करने के लिए बंगाल से छिंदवाड़ा पहुंच गई। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम का प्रभाव आज के युवा वर्ग पर कितना पड़ रहा है, इसका उदाहरण छिंदवाड़ा में देखने को मिल गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहने वाली एक नाबालिग छिंदवाड़ा के लावा घुघारी में रहने वाले एक युवक से शादी करने के लिए छिंदवाड़ा ही पहुंच गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद युवती के परिजन भी छिंदवाड़ा पहुंच गए और लड़की को नाबालिग बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। दोनों का धर्म अलग अलग होने के कारण राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बाद में पुलिस द्वारा समझाइश दी गई, देने के बाद युवती परिजनों के साथ हावड़ा लौट गई, यानी कि पश्चिम बंगाल लौट गई। बताया जा रहा है कि युवक और नाबालिग दोनों करीब 8 महीने से ऑनलाइन गेम पबजी खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ही ले लिया। दरअसल पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से कुछ परिजन आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची नाबालिग है, उसको किसी के द्वारा बहला फुसला कर यहाँ ला लिया गया है। जैसे ही पुलिस ने नाबालिग बच्ची का सुना तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट परिसर के सामने वाले पार्ट में जो ग्राउंड है वहां से उनको आइडेंटिफाई किया और थाना लेकर आए। थाने पर पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने पर पाया कि दोनों पक्षों में लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध है और दोनों ही बालिग हैं। लड़की से उसकी मर्जी के संबंध में पूछा गया तो लड़की ने अपनी मर्जी बताई कि वो अपने परिजनों के साथ अभी हाल फिलहाल जाना चाहती है और अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती है। तदुपरांत लड़के को भी बताया गया। दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से घर जाने का फैसला किया है। दोनों ही पक्षों को समझाइश दे करके जाने दिया जा रहा है। दोनों का संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। बताया गया कि लड़के और लड़की के द्वारा बताया गया कि 8 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी, उसी के बीच उनकी बातचीत शुरू हुई थी।